देखिए आज हम बाबा कॉलोनी में और आप देख सकते हैं किस तरह का रुझान यहाँ है। और चुनाव प्रचार तो आज से ही शुरू हुआ है, लेकिन हम लगातार पिछले 10 सालों से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। आप कहीं भी चले जाइए, कोचिंग के लिए हमें प्रधान कॉलोनी में, किसी भी हमारे पूरे वार्ड में चले जाइए, हम हर जगह लगे हुए हैं। और मेन मुद्दे देखिए MCD के होते क्या हैं, साफ़ सफाई के, लेकिन ये साफ़ सफाई नहीं करते। आप कोई लेंटर बनाइए तो वहाँ पर पैसे मांगने पहुँच जाते हैं। और मैं आपको बता दूँगा, जैसे ही MCD में आम आदमी की पार्टी की सरकार आती है, सबसे पहले तो इन लेंटर माफियाओं से छुटकारा दिलाएंगे, जो ये लेंटर माफिया घर घर जाकर पैसे लेते हैं। कि सुबह सबसे पहले हमने कोशी के ए ब्लॉक में पदयात्रा की, जहां लोगों का इतना बढ़िया रुझान था कि लोग कह रहे हैं कि इस बार MCD में भी केजरीवाल की सरकार है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले 4 तारीख को जब बटन दबेगा तो बटन इतना दबेगा कि आप देखते रह जाएंगे, और 7 तारीख को पूरी दिल्ली में MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी और इस दिल्ली को कूड़े से राहत मिल जाएगी। देखिए, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, तमाम कॉलोनियों में आम आदमी पार्टी ने लगातार काम कराए हैं। इसके साथ साथ भाजपा जो कूड़ा कर रखा है, हर जगह नालियाँ गंदी है और दवाइयों का छिड़काव नहीं है, तो जनता में भारी आक्रोश है। और वही निगम पार्षद जो 5 सालों से जनता के बीच में नहीं थे, वही वापस से टिकट लेके आए हैं कि हाँ हमें जिताओ, तो जनता में भारी आक्रोश है, भाजपा के लिए भी और अनिल त्यागी जी के लिए भी। आपको और आशीष को लेके भी लोग कई तरीके की बातें कर रहे थे, जब आपको टिकट नहीं मिल पाया, क्या जवाब देंगे उन लोगों को? देखिए आशीष, 2012 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, मेरे बिल्कुल छोटे भाई जैसा है। मैं मानता हूँ कि कोई भी चुनाव ना टीम लड़ती है, और इस बार हमारी टीम के कैप्टन आशीष त्यागी हैं, तो हम सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। मैं लड़ रहा हूँ, रत्नाकर लड़ रहे हैं, पूरी टीम लड़ रही है, आशीष हमारे कैप्टन हैं, और हम सब अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। और कौन से सिपाही, मैं बता देता हूँ, 2 तरह के सिपाही होते हैं, एक नॉर्मल सिपाही और एक कटप्पा वाले सिपाही। तो हम लोग अरविंद केजरीवाल के कटप्पा है, जो आदेश आया है वो सर आंखों पर है। आशीष भारी मतों से जीतेगा, आम आदमी पार्टी भारी मतों से जीतेगी, एक एक कार्यकर्ता भारी मतों से जीत रहा है। देखिए ये क्षेत्रवाद की राजनीति बहुत गलत है, 2017 में मेरे साथ भी हुआ, मैं उसका दुख जानता हूँ। आशीष को देखिए, गांव से हैं, लेकिन उन्होंने हर साल छठी मैया का पूजा करवाया, और मुझे लगता है कि छठी मैया का जिसको आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके साथ क्या पूर्वांचल, क्या उत्तराखंड करना। वो गांव से हैं, हम सब लोग, सभी लोग एक साथ काम करते हैं, जनता का काम करते हैं। तो जिसको छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिसको उत्तरायणी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके साथ क्षेत्रवाद की राजनीति करना गलत है। भाजपा बुरी तरह से हारेगी अगर उसने धर्म और इस तरह की चीज़ों को बीच में लाया तो।